मॉर्निंग गाइस। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं जागृति एग्जीबिशन में, जो आसाम एसोसिएशन गोवा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है गोवा में प्रेन्हा रिसोर्ट में। और जब मेरा भाई लोग सुना कि आसाम का एक प्रोग्राम गोवा में होने जाने वाले है, तो मेरा भाई लोग आ गया आसाम से। तो ये है मेरा जान का टुकड़ा राहुल भाई, बोलो। हाय फ्रेंड्स, अच्छा फीलिंग हो रहा है, जा रहा है फाइनली, आज देखते हैं आगे क्या होता है। और एक भाई आ गया प्रॉपर साल है। भाई आपका फीलिंग्स बोलो। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी हुआ जाके मालूम पड़ेगा। तो गाइस हम लोग बहुत ही एक्साइटमेंट में, क्योंकि आज आसाम का प्रोग्राम गोवा में है गाइस। और ये जो प्रोग्राम है, इसका मेन मोटिव है दोस्त आसाम टूरिज्म, जो आसाम टूरिज्म को प्रोमो कर रहा है दोस्त, जैसे हैंडलूम टेक्सटाइल ये सब को प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम इधर गोवा में किया गया है। पहली बार की तरह हम लोग नुर्दा के घर में थे, और नुर्दा लोग ये जो प्रोग्राम है जागृति एग्जीबिशन ये ऑर्गेनाइज किया। नुर्दा भी गोवा में रहते हैं, इधर इंडिगो एयर में काम करते हैं। तो नुर्दा, जागृति एग्जीबिशन है मेन मोटो बता दीजिए। एक्चुअली जागृति इवेंट जो हम लोग फर्स्ट टाइम गोवा में कर रहे हैं, आसाम एसोसिएशन ऑफ गोवा, जितना भी एसएमएस पीपल है उनको हम लोग इन्वाइट किया, और जितना भी गोवा का डेलीगेट्स है, बाकी आप लोगों को बाद में पता चलेगा। मेन मोटो इज टू प्रमोट असम टूरिज्म, असम टेक्सटाइल एंड हैंडलूम, ऑल द असम मेखला चादर एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे प्रमोट करने के लिए है। तो बाकी के लिए आप कंटिन्यू करते रहिए। तो गाइस नुर्दा हमें नज़ारा दिखा दिखा कर लेके जा रहा है। तो नुर्दा ड्राइविंग कर रहा है, बहुत ही ऑसम, बहुत ही एक अच्छा लोकेशन से हम लोग अभी गुजरेंगे। नुर्दा बोलिए तो हमें आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आइलैंड है, जसिंथो आइलैंड बोलते हैं। यहाँ पे काफ़ी मूवी का शूटिंग हुआ था। अगर आप लोकेशन देखेंगे तो पता चलेगा, बाकी एक विलेन सब शूटिंग हुआ, ये सब बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, और ये पूरा आइलैंड है, सिर्फ एक ब्रिज जो है। हाँ गाइस बहुत ही अच्छा नज़ारा है। नुर्दा वो चर्च है क्या? हाँ वो चर्च है जो पुर्तगीज ने बना के गया है। हाँ यहाँ पे अभी भी ट्राइबल लोग रहते हैं वो पहाड़ के ऊपर। हाँ जब यहाँ का ट्राइबल बोलते हैं, हम लोग देखते हैं, अभी लोकल्स को जाने पहाड़ को जाने नहीं देते। हाँ ओके नुर्दा, हाँ रास्ता बंद करके रखा है। हाँ रोड क्लोज करके रखा। ये है चर्च, आप लोग देखेंगे तो पूरा पुर्तगीज स्टाइल में बना हुआ है, नॉट इंडियन स्टाइल। इधर तो पहले पुर्तगीज ही रूल करते थे ना, बोलते इसको बोलते हैं सैन जेसिंटो आइलैंड। सैन जेसिंटो आइलैंड शाम को यहाँ पर अच्छा लगता है। हाँ इज अ गुड प्लेस फॉर द कपल्स। हाँ तो गाइस कैसा लग रहा है? हाँ आसाम, आसाम का प्रोग्राम में जा रहा है जो कि आसाम टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है गाइस। आसाम का प्रोग्राम पे जा रहा है लेकिन आसाम पे नहीं। हाँ और आसाम का प्रोग्राम गोवा में है वो कुछ अलग ही तगड़ा सीन है। और नुर्दा भाई लोग की, नुर्दा लोग ही कर रहे हैं ऑर्गेनाइज या आसाम एसोसिएशन गोवा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये ब्रिज अभी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जब ये बन चुका होगा तब ना अक्सर दिखेगा, लाजवाब दिखेगा गाइस। ये नुर्दा ये ब्रिज में क्या रेस्टोरेंट भी होगा? हाँ प्लानिंग है इसके ऊपर रेस्टोरेंट बना के, हैंगिंग रेस्टोरेंट। हाँ गोवा में एक्चुअली दो ही ब्रिज बहुत फेमस है, एक पंजीम वाला और एक ये जुआरी ब्रिज। हाँ क्योंकि ये ब्रिज हो जाएगा तो ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस नुर्दा हमें बहुत ही अच्छे अच्छे लोकेशन से लेके जा रहे हैं। और गाइस इधर आगे ही एक प्राइवेट बीच भी है, बहुत ही अच्छे अच्छे। यहाँ से जाने से तो गाइस अगर आपको ये प्राइवेट बीच में जाना है चिल करने, तो यही रोड है, ये हयात है, हयात का प्राइवेट बीच। ये अंदर से भी जा सकते हो, बाहर से भी जा सकते हो। ये है हयात। तो गाइस ये हयात बहुत ही शानदार गाइस, ये रिजॉर्ट है, होटल है, हयात रिजॉर्ट। बहुत सारे गेट है ना, अभी हम लोग गोवा यूनिवर्सिटी की तरफ पहुँच रहे हैं। तो ये सब यूनिवर्सिटी का ही, ये सब सब गोवा यूनिवर्सिटी का कैंपस है, कैंपस है सब यूनिवर्सिटी रोड है। ये प्लेग्राउंड होगा शायद यूनिवर्सिटी का, खेल भी होगा।
गाइस अभी हम लोग रिसेप पहुंच गए, इधर एंट्री कर चुके हैं गाइस। अभी हम लोग पार्किंग कर रहे हैं। यो हमजा भाई, कनाडा फीलिंग। तो गाइस अभी हम लोग रिसेप में घुस चुके हैं गाइस। आप लोग देख सकते हो गाइस, जहाँ पर आज जागृति एग्जीबिशन होने वाला है वो रिसेप का नज़ारा देखेंगे गाइस। हमारा जागृति एग्जीबिशन होने वाला है गाइस, जो आसाम एसोसिएशन गोवा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है गाइस, जागृति एग्जीबिशन। तो जागृति एग्जीबिशन का ये लोकेशन है गाइस। आप लोग कंटिन्यू करिए। वाह, अभी देखिए गाइस, बहुत ही अच्छा लोकेशन है गाइस। आप लोग देखिए गाइस, वाह क्या ही बताओ गाइस। तो इधर ही आज हम लोग का जागृति एग्जीबिशन होने वाला है, जो आसाम एसोसिएशन गोवा का तरफ से ऑर्गेनाइज किया है आसाम टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो गाइस आप लोग इधर का लोकेशन देख लीजिए गाइस। हाय गाइस, तो अभी हम लोग इधर ही है प्रेरणा रिसोर्ट में, जहाँ पर आज जागृति एग्जीबिशन होने वाला है। तो गाइस अभी थोड़ा डेकोरेशन चल रहा है और अभी तक टाइम हो गया 11:50, 3 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होगा गाइस इधर। तो उधर एक स्टेज बना हुआ है और उधर भी एक स्टेज। तो गाइस बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इधर आसाम को ही आसाम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और हम लोग का ही प्रोग्राम है आज नॉर्थ ईस्ट वाले से मिल रहा है अच्छे से बाहर, और वो भी गोवा में। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक्साइटमेंट है गाइस। तो आप लोग हमजा ब्लॉग के साथ बने रहे गाइस। और अजय भाई, छूट कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया भाई, यहाँ का डेकोरेशन इतना अच्छा है ना कि मैं तब से डेकोरेशन ले ही रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा बनाऊंगा डेकोरेशन, बिलीव। एंड कैसा लग रहा है, फीलिंग कैसा हो रहा है? फीलिंग अमेजिंग ब्रो, अमेजिंग। लाइक गोवा में आसाम फेस्टिवल और आसाम के लोग इन गोवा, इट्स ऑसम, ऑसम फीलिंग्स गाइस, बहुत एक्साइटमेंट में गाइस। तो आप लोग बने रहे हमजा ब्लॉग के साथ। गाइस अभी प्रोग्राम शुरू होगा थोड़ी देर बाद, अभी हम लोग ऐसे थोड़ा काम कर रहे हैं गाइस। प्रिपरेशन जारी है, पूरा प्रिपरेशन चल रहा है आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, कितना सक्सेस होता है। बैठा भाई, ये हम लोगों का जनरल सेक्रेटरी है। हाय जगदीप जी का। तो सो आज हमारे इवेंट आसे, सो तक लालई कर भल लगे गोटेबूर आसे। सो बाकी अलग पीछे कम और बाकी ला कम। तो गाइस बहुत भल लगे आज, मैं बहुत मानु लग पाई इतना गोवा लगे गाइस। नमस्कार सकलिए भाषी রাইজলে আৰু আমাৰ ইয়াত প্ৰভাকী অসমীয়া রাইজলে, আমি আসাম এসোসিয়েশন অফ গোৱা ইয়াত আয়োজন কৰিছোঁ এক্সিবিশন জাগৃতি, যাৰ মেইন পাৰ্পজটো হৈছে যে আমি অসমীয়া যোনখিনি শিপিনী আছে বা যোন আমাৰ থলুৱা যোনখিনি মানুহে আজি কাম কৰি আছে, আমাৰ গাঁৱত যোনে কাম কৰি আছে বা কাৰিকৰী দিশত আছে বা তাঁতশালৰ দিশত আছে, যোনে তেওঁলোকক আমি এখন মাৰ্কেট দিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ বস্তু আমি প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে এই বস্তুখিনি আমি আয়োজন কৰিছোঁ। এতিয়া জাগৃতিৰ দ্বিতীয় পাৰ্পজটো হৈছে মাৰ্কেটখন ছাষ্টেইন কৰা, যেনেকৈ আপোনাৰ মাৰ্কেটখন ছাষ্টেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট মাৰ্কেটখন পাওক, আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা পাওক, গোৱাৰ মানুহৰ পৰা মাৰ্কেটখন পাওক আৰু আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটখন তেওঁলোকে পাওক। সেইটো কাৰণে জাগৃতিখন আয়োজন কৰা হৈছে। ইমানখিনি আছিলে, থেংক ইউ। সো আপুনি হামজা ভাই বহু আছে লাগে হৈ কাম না, হামজা ভাই কেছে ফিলিং আ ৰা, বহুত বঢ়িয়া তো পৰে গৈ না, দূসৰ পৰা তাঙি বহুত ইয়া আছে লাগ ৰাই, কি আজ গোৱা মে আসাম আসাম হৈ গয়া সব, আসাম কে আৰ্মি লোক মে সব আপনাই অসম অসম লাগি গৈছে গোৱা। তো ফ্ৰেণ্ডছ বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, কিয় আজি সব অসমৰ মানুহ লগ পাইছে, এইবিলাক সব আমাৰ অসমৰে মানুহ হয়, জাগৃতি এক্সিবিশ্যনত আহিছে। আৰু আপোনালোকে ইয়াৰে নাজাৰাটো চাব পাৰে, কি কম ঠাইটো কি কম, আৰু তাতে অসমৰ মানুহ সব লগ পাই আছোঁ, কথা পাতি আছোঁ, ভাল লাগিছে। কিন্তু আপোনালোকে আৰু দেখাও আহক, ফোনটো প্ৰগ্ৰেমটো এতিয়ালৈ ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, 3 বজাৰ পিছত ষ্টাৰ্ট হ'ব। তো কি কম আৰু, আজি অসমৰ মানুহ সবতে লগ পাই আছোঁ, আৰু ভাইহাত সব বৰপেটাতে হয়, বৰপেটা। আপোনালোকৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো দি দিয়ক এবাৰ। মোৰ নাম ৰাশিদ কৃষ্ণ। কেনে লাগিছে জেগাখিনি? ভালেই লাগিছে, মজা লাগিছে। ইয়াত গোৱাতে থাকে নেকি আপুনি? গোৱাতে থাকোঁ। অঁ, কিমান দিন হ'ল? মোৰ 1 বছৰ হ'ল। অঁ, তো ভাস্কৰদাৰ বাবু পানীৰ লগত খেলি আছে। বাবু চে হাই, চে হেল্ল'। ভাস্কৰদা, আজি কেনে লাগিব আজি? Well, let's see.
hoping for the best. Excitement hota hai aaj. So guys, abhi final decoration ho gaya khali. Thoda abhi sajane ko baki hai sabke. Jaise idhar saja raha hai abhi. तो अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था, 3 बजने वाला था, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा बारिश आ गया, इसलिए वो जितना भी अरेंजमेंट कर रहा था लास्ट एंडिंग में बारिश गिर गया, क्योंकि जितना भी वो सब होममेड टेक्सटाइल ये सब इधर डेकोरेशन कर रहा था तभी बारिश आ गया। तो अभी गाइस थोड़ा रुकता है, आफ्टर 20 मिनट्स ठीक हो जाएगा। तो हम सब ब्लॉगिंग का प्रोग्राम है। हाय गाइस, तो अभी सब कुछ रेडी हो गया, इधर जितना भी हैंडलूम्स और हैंडक्राफ्ट सबका रेडी हो गया, और आज चलिए आप लोग का भी दिखाते हैं। हमारा बायरो अभी हैंडलूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आसाम हैंडलूम को। तो अभी बायरो से पूछ लेते हैं। नमस्कार, मोर नाम मेघाली दास, मैं गुवाहाटी पर आई, मैं हैंडलूम यूजर पर आई, मैं बुआ पाटर कपूर काम करूँ, और मोर 21 गी शिपिनी आसे, मैं विमेन एम्पावरमेंट कारण काम करूँ, बेलेग बेलेग धरणर कपूर बनाओ, यू घिसार कपूर, यू टसेरे बनाइछो, एजुर मुगा, एजुर पाट मुगा, एजुर कटन और एजुर केसा पाट, बेलेग बेलेग धरणर आनिछो, एजुर देखा पाइछे, एजुर पूरा सूतारे हेरी करा, घिसा सूतारे बनवा, आरो एतु आपनि देखा पाइछे, एतु सरुकेन क जैकेट बनाइछो ब्लाउजर निसना, एतु गामोसारे न होय, गामोसारे बनाइछो, गामोसाखन आमार पिसत क्या काम लगाले भल गामोसा बनाई बैदे से, और जो जो कॉन्टेक्ट करना चाहता है गुवाहाटी में भी, तो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में बैदो का लिंक दे दूंगा और नंबर दे दूंगा। नमस्कार, अपराजिता ज्वेलरी, मोर ब्रांड नेम अपराजिता ज्वेलरी, गहना है सम्पूर्ण प्योर सिल्वर ऊपर बनाऊ, रूपर ऊपर खूनपानी चरू और गोल्ड पॉलिश करा है, और नगाँव रणथली और बरपेटा और जोरहाट, ये तीन जिले कारिकरबाक सम्पूर्ण हाथेरे बनवा गहना, एक कोनो मेसिनर काम नहय, सम्पूर्ण हाथेरे बनवा गहना, 2009 पराय अपराजिता ज्वेलरी आमी बनाय आही आछो, आरो फेसबुक इन्स्टाग्राम सोशल मीडिया सबते बिचारे यूट्यूब चेनेल तो पा अपराजिता सर्च ज्वेलरी सर्च करले, और हम लोग बायदो का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और जिसे जिसे चाहिए जो भी आसाम ज्वेलरी तो बायदो के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं और नेक्स्ट टेबल में। तो गाइस नेक्स्ट हम लोग गोहाना बाय पीनाक्षी में आ गए। तो गाइस घूमने दे गाइस, बहुत ही अच्छा, ये सब बैग है, कैरी बैग है गाइस, कैप है, खराब है, और अभी पूछते हैं, मैम से पूछ लेते हैं सबका बारे में। मैम आप बोल दीजिए, हिंदी में बोले, आसामी ये तो अपना हमारे तो हाउस ऑफ टिंसल बोली कहे, ओके, सो यार अपना प्रीमियम कलेक्शन है वो। इफ यू वांट टू बाय दिस स्टफ देन आई विल प्रोवाइड हर डिटेल्स ऑन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। तो गाइस हमें आगे आके अभी इधर ईटानगर का मिल गया सब कुछ होममेड ट्रेडिशनल थिंग। तो अभी भैया से पूछते हैं, भैया आप बता दीजिए। तो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं चांगलांग अरुणाचल प्रदेश को, है ना, तो ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये एक इंडिजीनियस मतलब कि डिज़ाइंस है जिसको कस्टमाइज़ करके बनाया गया है, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो आर्टिसंस हैं, जो गांव की औरतें हैं ना, उन लोगों ने इसको बनाया है, और हमारे एनजीओ के माध्यम से और ओएफपीओ मतलब ना फार्मर्स प्रोड्यूसर्स एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि मित्रु है, उसके तरफ से हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है, और आज यहाँ पे गोवा में इसको हम शोकेस कर रहे हैं, और शी इज़ द सीईओ ऑफ मित्रु, ठीक है ना। तो हमारे जो कंपनी है मेट्रो, वो जो वहाँ के विलेजर्स है, अनएम्प्लॉयड जो विलेजर्स है, उनके साथ स्किल है बट उनके साथ प्लेटफॉर्म नहीं है सर, तो वो प्लेटफॉर्म हम लोग मेट्रो के थ्रू हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, तो प्लीज़ फॉलो मेट्रो फ्रॉम पटका हिल्स इन इंस्टाग्राम। जिसको भी चाहिए कुछ भी तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को नंबर दे दूंगा। गाइस आगे आते हैं, हम लोग अभी आगे आसाम टी में, जो कि बहुत ही फेमस है बाहर भी, फॉरेन में भी, जो आसाम टी के लिए सब पागल है गाइस। तो मैम से पूछ लेते हैं, मैम के पास क्या क्या है। अभी हम लोग लाए हैं भूत जोले का, ये आसाम के ट्रेडिशनल डिश है, बहुत झाल है, तो ब्लैक राइस, कोला खाउल एंड बैम्बू सूप, ये जो मतलब खरीसा बोलते हैं इसको, एंड टी वगैरह एंड मेखला शादी रुमाल। टी के बारे में बोल दीजिए, क्योंकि टी की बहुत फेमस है बाहर भी, बहुत ये सीधी सी टी बोलते हैं, ब्लैक टी आसाम का ब्लैक टी, हम लोग का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है ये, आप लोग का खुद का है। हाँ, तो अगर किसी को इंपोर्ट कराना हो, अगर बाहर से किसी को अच्छा ही होगा, हाँ हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं हम लोग, हाँ ग्रीन टी, ब्लैक टी, फ्लेवर टी,
इंस्टेंट टी सब कुछ हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं वहाँ पे। और किसी को भी आसाम टी चाहिए जहाँ पर भी चाहिए तो भाया लोग इम्पोर्ट करके दे देगा। आगे अभी हम क्राफ्टन बाय छेत्री मैम के पास आ गए, तो मैम के पास इधर सब कुछ इंटीरियर डिज़ाइन के लिए सब हैंडमेड है, तो अभी मैम से पूछ लीजिए। सो माई नेम इज़ पूजा छेत्री, दिस इज माई ब्रांड कॉल क्राफ्टन बाय छेत्री। सो बेसिकली इट्स आई एम इंस्पायर्ड by Bohemian culture, so I've always been a creative person, so this art is my creative, and so my products goes in all kind of events. You can just decor your house with my products, you know, you can use it in your home as a planter. We have plant hangers, we have dream catchers with plant hangers, and we have bags, we have mirrors, we have shelves, planters, posters, earrings. Yeah. So this is Crafter. So do follow us on Instagram. This is our Instagram page called Crafter by Chetri. Okay, and get a 10% off. Thank you. और guys, जिसको भी मैम का स्टाफ चाहिए तो मैम को कॉन्टेक्ट कर सकता है। मैम का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो guys, जिसको भी चाहिए मैम से कॉन्टेक्ट कर लीजिए guys. तो गाइस अभी जागृति एग्जीबिशन स्टार्ट होने वाला गाइस, तो सब गैदरिंग हो गया गाइस, और इधर चीफ गेस्ट बैठे हुए गोवा के डीसी सर। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल हु हैव गैदर्ड हियर ऑन दिस लॉन टुडे। The Assam Association of Goa serves to build a greater Assami socio-cultural community in Goa and also act as a bridge between the Assamese community and the various communities residing in Goa and working for the security of the migrant Assamese who are residing in Goa. This association will follow up with a textile meet, Assam's exhibition with stalls, seminars for weavers, designers and artisans, and development of the migrant Assamese of Goa. Today we have gathered here in this beautiful resort, Prangha by the sea in Donapaul. तो हाय गाइस, आज करिश्मा बाग लग पालो के डिजाइनर ओनर। तो करिश्मा बाग आज थर्ड कम्पानी लंच हम गई है इतने गोवा प्रिन्हा रिसोर्ट। तो करिश्मा बागे सुधी लग, करिश्मा बाग अपना आज कैने लगे अपना आज लंच हम गई है विराट भल लगे बिकज एट मोर तो बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट आसे। सेकेंडलि आम के डिजाइन अंडर के बेस्ट आज लंच बिकजिया कलचार तो आम गोवा देखा और मोर बहुत मन आस बस्तु अपना इंटरनेशनल मार्केट में जाओ और यू गोटे फर्णिशिंग ऊपर है कथाखिम मोटिव जीखी आम पिंधु देखा आज पिंधि यूरे जी स्टाइलिंग है यू आम फर्णिचार दी पारो। तो भाव कि एक्सपांडिंग भाई सो विराट एक्साइटेड और विराट भल लगे प्लीज आशीर्वाद दी जेन बहुत भल है। तो गाइस अभी हम लोग हैं सिल्क सिम्फनी में। हेलो, मैं कृष्णांगी, मोर ब्रांड तो है सिल्क सिम्फनी और सिल्क सिम्फनी मैं बेसिकली हैंडलूम और माने आमार अहोमिया टेक्सटाइल जिखिनि होय एखिनि ऊपर काम करि आसु। एबुर होइसे एरी प्रोडक्ट, एबुर एरी सिंगल साडर, एरी स्टोल, एरी हारी और लगते मैं नागा ज्वेलरी डिस्प्ले करे बना ना नागा ज्वेलरी निजर नोर नागा ज्वेलरी नागालेडर मैं सोर्स कर आनो मैंने मोर कपुरखिर अलमान यू मिले तो बसुख मैं पेरअप कर पिंधे पे मोर स्पेसियलिटी मोर जो स्पेसियलिटी है तो टाइन डाई मानने मालबरी सिल्क मैं पाप जो टाइन डाई कर जो मैं पिंधि आम तमें अर्बानाइजेशन कारण कि मेखला चादर तो पिंधे मैं ओकेजन बहुत कम हो गई है ना मैं ओकेजनस मेखला चादर जो पिंधिले निमिले तैरण सो यू मैं किसान मैं कन्टेम्परेरी टाच एट और मोर स्पेसियलिटी जो है सीट हम मालबरी सिल्क मेखला चादर टाइन डाई मालबरी सिल्क मैं आम जो पाट बी कह यू मैं पिंधि आसो जो एनेरण यू कैसा पाट है चादर तो मेखला पाटर है तो गोटे पाटर बनाओ
তো তাতে মানে আজিকালি আমাৰ আৰবানাইজেশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি তাৰমানে অকেজনছ থাকে অকেজনছখিনি সবতে ট্ৰেডিশনেল মটিভ থকা মেখেলা চাদৰযোৰ তাৰমানে শ্বুট নকৰে সেই জেগাটোৰ কাৰণে তো তেনেকৈ মই এটা কণ্টেম্পৰৰী টাচ দি পেলাই যিকোনো ৱেডাৰত পিন্ধিব পৰাকৈ যিকোনো অকেজনত পিন্ধিব পৰাকৈ তো মই এনেকৈ লাইটকৈ মেখেলা চাদৰযোৰ মানে বনাইছোঁ তো এইখিনি মোৰ স্পেচিয়েলিটি তো গাইজ জিসকো ভি কৃষ্ণা কৃষাংগী বাকা ষ্টাফ চাহিয়ে जिसको भी चाहिए तो मैं कृष्ण के बाका नंबर इंस्टाग्राम आईडी सब कुछ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में तो आप लोग उधर चेक कर सकते हैं। तो गाइस चलो अभी आगे बढ़ते गाइस। अभी आजय भाई फोटो खींच रहे कर्नल सर का जो गोवा के आर्मी के कर्नल है। हाय आई एम ए फैन ऑफ हमसा। तो सर आर्मी के कर्नल है गोवा के, तो सर कुछ एडवाइस हम लोग का आसाम के यूथ के लिए सर। कीप डूइंग द गुड वर्क, ठीक है। ही इज ए ग्रेट मोटिवेटर फॉर द अदर young guys, Hamza, I am a subscriber and a well wisher for Hamza and all his whosoever is associated with his vlog. Thank you. Thank you, Hamza. Thank you. Thank you. तो सर गोवा के कर्नल है आर्मी के, तो इधर अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब आसाम के लोग मिल रहे हैं और आधे भाई भी फोटोग्राफी कर रहे हैं। बहुत ही तगड़ा सीन है गाइस, बहुत ही तगड़ा, फुल्ली एंजॉय। आपका फीलिंग्स बता दीजिए, आपका लॉन्च हो गया आज खास सीन पर। फीलिंग्स तो बहुत बेसि भले, बहुत इमोशनल हो गई मैं बिकज इट वॉज माई ड्रीम एज अ डिजाइनर मैं कि पारो और बस्तुखी आम एनेकटा फार्णिशिंग ब्रांडत आनिल देट इज सामथिंग ड्रीम कम ट्रू। आक मैं देखा दूँ किसान बस्तु। सो यू कम्पेनी तो मोर लगो है के डिजाइनर, यू सिस्टर इनिशिएटिव है और फार्णिशिंग है। आपने देखी से बाहर लाइटर अपना फेब्रिक आए सेम फेब्रिक आम लाइटर देखी से कुशनर मिलवा आए सीखन आम कर्टेन है कुशन है यूर कुशन गोटे कबरबूर आम एरी बनवा गई है। सो कुशन कवर आम गोटे सेट है मैंने आपने देखी से जो कुशन कवर आपनर वर्कआउट हो कुशनर आम रानार्स कर्टेन्स आम फार्णिचार सोफा एखने हल हाई चेयर हल সেইখিনি প্ৰডাক্টছত আমি ৱৰ্কআউট কৰি আছোঁ। সো দেট ইজ অল এবাউট কে বেস্ট। তো গাইজ আপলোক কৰিশ্মা বাকো সাপোর্ট কৰিজে ফুললি আৰু কৰিশ্মা বাকা ডেসক্ৰিপশ্যন মে মে নম্বৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি সব কুছ দে দুংগা। আপলোক কণ্টেক্ট কৰ সকতে জো ভি ষ্টাফ চাহিয়ে কৰিশ্মা পাছে। मैं आप लोग को सबके साथ इंट्रोडक्शन कर दे रहा हूँ और आज इधर बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि गोवा को अभी आसाम आसाम लग रहा है और अभी सब लोग मेरा ही दादा है। दादा सब लोग अपना अपना संजीत संजीत सिपाही ना जाओ और आप लोग का फीलिंग्स के बारे में बहुत ही कस किया आसाम एसोसिएशन ऑफ गोवा तो बहुत ही आसाम टूरिज्म को प्रमोट करने में बहुत ही लगे हुए हैं हम लोग का दादा लोग। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए आसाम टूरिज्म को। तो आप लोग का कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको मिल के भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज गोवा में आसाम आसाम लग गया और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो भाई लोग अभी हम लोग का अफगानिस्तान भाई लोग के साथ मिल गए तो भाई लोग को अभी पूछेंगे भाई लोग का एक्सपीरियंस कैसे रहा। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं अफगानिस्तान भाई लोग को भी बहुत अच्छा लगा हम लोग का नॉर्थ ईस्ट ट्रेडिशनल। तो गाइस क्या बोलो गाइस, आज का फीलिंग से कुछ टकरा गाइस। तो बहुत ही एंजॉय किया आज, बहुत ही आसाम के दादा लोग से मिला और गोवा में आसाम आसाम लग गया और नूरदा ने मुझे बहुत ही हेल्प किया, बहुत ही सपोर्ट किया मुझे। नूरदा के घर में हम था जब से गोवा आया है तो नूरदा ने मुझे इनविटेशन दिया था जागृति एग्जीबिशन के लिए और नूरदा आज बहुत ही कष्ट किया क्योंकि बहुत ही लग रहा था सुबह से बहुत ही घूम रहा है सब कुछ अरेंजमेंट कर रहा है। अभी नूरदा से पूछता है क्योंकि अभी जागृति एग्जीबिशन ख़त्म होने वाला है तो नूरदा से अभी मैं फीलिंग पूछता हूँ। हाँ इससे बहुत अच्छा फीलिंग है सर, ग्रेट फीलिंग फॉर अस, वी आर डूइंग समथिंग न्यू टू गोवा फर्स्ट टाइम एंड असम एसोसिएशन ऑफ गोवा हम लोग पहला बार कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं और जागृति हम लोगों का बस स्टार्टअप है। उसके बाद हम लोग हर कोई बिहू सेलिब्रेशन करेंगे और ये हम लोग का मेन मोटो यही था दैट हम लोग असम का टूरिज्म को प्रमोट करें। ऑल द टेक्सटाइल हैंडलूम, ऑल द असम का मुगा पाट का कपड़ा देन ये हम लोग प्रमोट किया। एंड थैंक यू हमजा हु इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम गुवाहाटी टू दिल्ली, दिल्ली बेंगलोर, बेंगलोर गोवा, इज अ ग्रेट मोटिवेशनल फॉर द ऑल द यूथ एंड यंग स्टार हु लाइक टू ड्राइव। टू ड्राइव सेफ, कम सेफ, यू कैन एक्सप्लोर गोवा इन इंडिया एंड कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप सपोर्टिंग हमजा एज वेल। थैंक यू गाइस, सी यू सून।
but keep sharing the videos and keep update, we'll update everything whichever we are doing in this event. Thank you. So guys, thanks for watching the video guys. और आप लोग हमजा ब्लॉग से बने रहे, बहुत ही तगड़ा तगड़ा सीन दिखाएंगे आप लोग को गाइज, बहुत ही तगड़ा। अभी गो करना है, बहुत ही सीन बाकी है गाइज, लेकिन आप लोग को एक ही काम करना पड़ेगा, जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, और हमजा ब्लॉग के साथ बने रहे। आजय भाई, दिस इज नॉट द एंडिंग ब्रो, दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। अभी तो स्टार्ट हुआ है गाइज, एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल हमजा ब्लॉग्स। तो गाइज, आप लोग से आगे मिलते हैं। Fuck her in the best, yeah.